आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। हाँ थोड़ा इससे पहले भी कोरोना जब आया तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। गुंडाई ना, गुंडाई ना। राज्य में भी सरकार अनाज छोड़ रही है जनता को, गरीबों को। इस तरह का काम सरकार कर रही है, सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। सरकार भैया जी, भैया जी चाचा का क्या हो रहा है? भैया जी चाचा का क्या हो रहा है? सरकार को काम करने को नहीं चाहती, काम करना चाहती है। सरकार केवल धोखा देना चाहती है, सरकार झूठ बोलना चाहती है, सरकार गरीबों का पैसा अमीरों को पहुंचाना चाहती है और सरकारी संपत्ति को बेचना चाहती है और धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान के जो अधिकार मिले उनको छीनना चाहती है। स्वतंत्र फिर समाजवादी पार्टी समाजवादी कार्ड खेलेगी, विकास कार्ड खेलेगी, समाजवादी पार्टी खुशहाली का कार्ड। चाचा के संदर्भ में आपका कोई जवाब नहीं है? ये कहा उनका भी छोटा दल है, उन्हें भी साथ इस बार नहीं देगी। छोटा दल है, छोटा दल है, इसके दल की सीट छोड़ी है पार्टी ने। बाईसाइकिल पे इस बार कौन कौन सवार हो रहा है? 22 पर, 22 साइकिल पे 22 पे कौन कौन सवार हो रहा है? कौन सी पार्टियां अभी आई होगी कि छोटे दलों को साथ दिया जाए और आने वाले समय में जिस तरीके से किसान व्यापारी नौजवान नाराज है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, सच पत्रकार लिखा देंगे तो इनपे भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसलिए सरकार को हटाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं और इस सरकार के पास मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। जौनपुर, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, जौनपुर का नाम बदल दिया, लेकिन जौनपुर को विकास में पीछे छोड़ दिया। हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को जो मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए, और भदोही के हम शिक्षक और नौजवानों को बधाई देंगे जो लाखों लाख वहाँ इकट्ठे हुए, लाखों लाख यहाँ इकट्ठे हुए। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आने वाला है। भाजपा भी प्रबुद्ध कार्ड खेल रही है, भाजपा भी सम्मेलन कर रही है, इनका नहीं है खेल। और 22 में खुशहाली, 22 में बदलाव, भाजपा भी है, वो भी बात चलिए। शिक्षकों का बहुत अपमान हुआ है सरकार में, शिक्षकों का अपमान हुआ है। शिक्षकों के तमाम मुद्दों पे समाजवादी पार्टी शिक्षकों की मदद करेगी।